Bharata 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 Bharata
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाननञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् आत्मानस्तीर्णं दन्तैरीदं याची पुनः पुनः श्रीमद्रूपदां भोजधूलिशां मम जन्मनि जन्म आज श्री रूप गोस्वामी का वीरा तिथि है। श्री रूप गोस्वामी का अवदान विश्व में एक अभिनव है। पूर्व लीला में वे श्री रूप मंजरी थे और उन्होंने राधा जी की दासी होकर के जिस प्रकार से उनकी और जुगल की सेवा की थी, इसलिए मंजरियों में दासियों में सबसे श्रेष्ठ कहे जाते हैं। उन्होंने रूप मंजरी जी के लिए लिखा है, तांबुलार्पण पाद मर्दन पयो दाना विशारादि वृंदारण्य महेश्वरी सब पतंगस्तो शांति प्रिया प्राण प्रेष की किला तभी असंकोचिता भूमिका श्री रूप मंजरी मुखा तत्दास का। मैं श्री रूप मंजरी की बार बार चरणों की धूली में प्रणाम करता क्यों, जहां पर की ललिता विशाखा इत्यादि सखियों का प्रवेश नहीं है अबाध गति से, वहां पर असंचो रूप में लज्जा रहित हो करके और राधा कृष्ण जुगल की सेवा करती हैं। इसलिए रूपमंजरी का वैशिष्ट बहुत अधिक है। किंतु वही जब चैतन्य महाप्रभु जी के पारिकर के रूप में जब प्रकट हुए तब उन्होंने जो कुछ दिया वह जगत के लिए परम कल्याणकारी है। रूपमंजरी ने हमको ये नहीं कहा कि रूपमंजरी का भाव कैसे प्राप्त हो सकता है, किंतु रूप गोस्वामी ने इसे दिया ये कैसे हो सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने वो भाव देने के लिए प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु को, अनर्पित चरिं चिरात करुणावतीर्ण करो समर्पयितमुन्नतोच्चरसां सर्वभूतेषु हरिहपूरट सुंदर द्यूत कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदे स्फुरत। इसलिए उन्होंने प्रणाम किया इस मंत्र में कि चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें शक्ति का संचार करके कृपा करके उन्नत उज्जवल रस के श्री शोभा को जगत में देने के लिए वही श्री कृष्ण राधा भाव कांति द्युति लेकर कृष्ण स्वरूप होकर के भी श्री सचिनंदन को किस लिए आए हैं, करुणा करुणा करके क्या करने के लिए, उन्नत उज्जवल पारखीय भाव को देने के लिए, उसकी शोभा को देने के लिए वो जगत में, शोभा माने मंजरी भाव और उन्नत उज्जवल माने परखीय भाव, ये सब दिया उन्होंने उज्ज्वल ग्रंथ में भक्तिरसामृत सिंधु में विदग्ध और ललित माधव नाटकों में और सब तरफ सर्वत्र ही उप गोपियों के उपपति भाव का प्रतिपादन किया है। इसलिए उन्होंने ये बतलाया कि राधा जी की दास्य भाव कैसे प्राप्त हो सकता है, ये अपने ग्रंथों के द्वारा प्रकट किया है। इस उनके अवदान के लिए जगत ऋणी रहेगा, विशेष करके हम उनके संप्रदाय के लोग सब समय ऋणी रहेंगे, कभी ऋण कुछ से उऋण नहीं हो सकते।
इन्होंने सबसे पहले यह बताया कि चैतन्य महाप्रभु और नहीं राधा कृष्ण के स्वरूप है या कृष्ण के स्वरूप है। पहले सार्वभौम भट्टाचार्य को दर्शन दिया षटपुंज रूप में, रामानंद को रसराज महाभाव के रूप में, और तपन मिश्र को उन्होंने दर्शन दिए कृष्ण के रूप में, और तार्किक ब्राह्मण इत्यादि को दिया था, किंतु महाप्रभु जी ने उनको मना कर दिया था कि हमको अभी प्रकट मत करना। इसलिए उन महापुरुषों ने स्वरूप दामोदर जी भी जानते थे, किंतु किसी महापुरुष ने यह नहीं बताया कि कृष्ण स्वरूप ये सच्चिदानंद गौर है, किंतु उन्होंने बतलाया। कैसे उन्होंने बतलाया? अनर्पित चरण चिराग करुणावतीर्ण कलौ समर्पयितुं उन्नतो जलरसां सभक्ति प्रिय हरि पूरण सुंदर द्युत कदंब संदीपित। जो तीन लोभों से कृष्ण ही राधा जी की भाव और कांति लेकर जगत में कृष्ण स्वरूप होकर के भी सचिनंदन गौर हरि के रूप में प्रकटित हुए। क्यों? वही औपत भाव देने के लिए वो प्रकट हुए थे। यह सुनकर के महाप्रभु जी बोले पुरी में वैष्णव की सभा में, वर्णन किया किंतु जिस प्रकार से दुग्ध में अमृत कलश में एक सूरा बूंद भी पड़ जाए तो वो सब बेकार का हो जाता, ऐसा ही तुम्हारा है। और रामानंद ने कहा क्या? ये तो खाना दूध है घन, बहुत सुंदर स्वादिष्ट, और उसमें कर्पूर थोड़ा सा दे दिया वैसे हो गया। फिर उन्होंने ललित माधव विदग्ध माधव नाटक में भी ऐसे ही लिखा कि जो कृष्ण थे वही राधा जी का भाव कांति लेकर के अब महाविप्रकुल में चैतन्य महाप्रभु है। सुनकर के महाप्रभु बोले तुम्हारा काव्य तो बहुत उच्च कोटि का है, किंतु अत्यंत अधिक स्तुति तुमने की। तो वैष्णव ने कहा स्तुति नहीं की बल्कि उन्होंने कुछ कहा स्तुति नहीं की बल्कि जगत में इन्होंने प्रकट किया आपके भाव को। वो यदि नहीं आते जगत में तो क्या होता? यदि गौर यदि रूप ना आशित केमो ने थरी दाम दे राधा भाव महिमा रस सीमा जाना ही तो के। इसके बाद और ओ जानत वृंदावन ओ जानत मथुरा वृंदावन ओ जानत से ब्रजरीति ओ जानत राधा माधव को जानत से प्रीति। ये रूप गोस्वामी नहीं रहते तो ये सब कुछ धरा रह जाता। महाप्रभु का आना कोई जानता ही नहीं, महाप्रभु किस लिए या महाप्रभु ये कृष्ण स्वरूप ही है राधा और कृष्ण स्वरूप है कोई नहीं जानता। और एक बात उन्होंने जब की अद्भुत श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितं जैन पूजन महाप्रभु के मनोभीष्ट को उन्होंने पूर्ण किया। कैसे पूर्ण किया? क्या पूर्ण किया? चैतन्य महाप्रभु के इस लीला में प्रकट करने के दो उद्देश्य थे। एक तो राधा जी के प्रणय भाव को प्रेम रस
वो राधा या प्रणय महिमा, ये तीन जो कृष्ण की माधुरी माँ है कैसी है, राधा जी को कैसे सुख होता है उस माधुरियों का स्वादन करके, ऐसे ही तीन है। इसके लिए वो राधा जी का भाव कांति लेकर के जगत में आए और प्रचार किया इसका। वो है क्या, मधुरस या श्रृंगारस का औपपत्य भाव, उपपति भाव। हमारे रामानुज संप्रदाय में, मध्य में, विष्णु इत्यादि संप्रदायों में साधारण लोग भी, विद्वान लोग भी इसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। सभी लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, किंतु रूप गोस्वामी ने शास्त्रीय प्रमाणों के बल पर और युक्ति प्रबंध युक्तियों के बल पर यह स्थापित किया जी नहीं, यह लौकिक लोगों के लिए, लौकिक जगत में यह अत्यंत घृणास्पद और नरकगामी है। कोई स्त्री अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति से उपपति का भाव रखे, यहाँ तो ठीक है, किंतु यहाँ पर परब्रह्म सर्वशक्तिमान अखिल रसामी सिंधु कृष्ण ही नायक है और उनकी स्वरूप शक्ति और उसकी स्वरूप शक्ति की कला, कला माने राधिका जी के आप प्रकाश जो गोपियां हैं, निज रूप तया कला भी आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभिर ये एव निज रूप तया कला भी, ये निज माने कृष्ण, उनकी कला अर्थात उनकी स्वरूप शक्ति के प्रकाश है। कौन, ये गोपियां। तो जहां ये गोपियां नायिका है, कृष्ण नायक है, वहां पर यह दूषण यह कदापि नहीं हो सकता है। यदि ऐसा होता तो श्रीमद् भागवत के वक्ता सुखदेव गोस्वामी थे जो बाल ब्रह्मचारी थे, ब्रह्म में निष्ठ थे, वो श्रीमद् भागवत में कैसे बोलते कहते। पहले तो ये जब रासलीला में सब गोपियां आई तो कैसे आई इसका वर्णन किया, वर्जमाना थे पति भी पुत्र बांधव, वो गोपियां अपने पतियों को परोस रही थी भोजन, उसको छोड़कर कहीं चल पड़ी। दूसरी बात, जिनके पतियों ने रोक लिए कृष्ण के पास नहीं गई वो ध्यानमग्न होकर के और फिर वहीं पर कृष्ण में सबसे पहले पहुंच गई वहां रासलीला में। कृष्ण ने और भी कहा, गोपियों देखो हमारे पास आ गई, ठीक है हमारा दर्शन कर लिया, घर में लौट जाओ, पतियों की सेवा करो। पति यदि लंगड़ा लूढ़ा कुबड़ा निर्धन जैसे भी हो, रोगी भी हो, स्त्रियों को अपने पतियों को छोड़ करके दूसरों पतियों के पास में जाने से पाप लगता है, तुम लोग लौट जाओ, ऐसा कृष्ण कहते थे। और भी पति सुतान नया रात्रि बंधवान अति विलंगते अंत अच्युतागता, अपने पतियों को छोड़ करके कृष्ण के समीप में चली गई। आशाम हो चरण रेण युषाम हम श्याम वृंदावने कुम गोल मल्लतौषदीना जो दुस्तजन सजन आर्यपथम, माने क्या, अपने पतियों को छोड़कर के भी कृष्ण के पास में चली गई, किसी की परवाह नहीं की। न पारे हम निर्वध संजुजा सुसाध कृतांग विभुज आयुषा विभव मां भजन दुर्जर गृह श्रृंखला, दुर्जर गृह श्रृंखला क्या, अपने पतियों को छोड़ दिया। गुरुजन क्या कहते हैं, वो भी लोक लज्जा सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के पास में चली गई, इसलिए मैं तुम्हारा हे गोपियों नहीं चुका ले। और भी थोड़ा सा हम पीछे कभी वहां पर बोलेंगे, अब संक्षेप में केवल बतला रहा हूं। और उन्होंने किया एक बात, भक्ति की परिभाषा दी, श्रद्धा किसे कहते हैं उसकी परिभाषा दी, रति किसको कहते हैं, समस्त भक्ति के स्तरों को, प्रेम किसे कहते हैं, अनुराग किसको कहते हैं, महाभाव किसको कहते हैं, और अंत में
मदानाक्ष भाव किसको कहते हैं, सबकी परिभाषा है। जैसे अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान करना, और श्रद्धा के लिए क्या कहा, श्रद्धा तो अन्नो पाय वर्जम भक्ति उन्मुखी चित्त वृत्ति विशेष। साधन किसको कहा, कृति साध्या भवेत् साध्य भावा स साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्रत। रति या भाव किसको कहा, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सुजान सुसाम विभाग रुचि चित्तम आश्रय। प्रेम किसको कहा, ध्वंस सर्वथा ध्वंस कारणे ध्वंस कारणे जद भाव बंधन जुनो, सब प्रकार के ध्वंस होने का प्रेम कारण रहने पर भी यदि वह प्रेम बढ़ जाता है तो ये प्रेम है। और क्या, जब भाव अपने प्रेम अत्यंत ऊपर की अवस्था में आ जाता है तो चित्त को मश्रित कोमल कर देता है, और उस समय कृष्ण की ममता अत्यंत अधिक आ जाती है, तब वो प्रेम कहलाता है। भीष्म द्रोण भीष्म अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, कृष्ण में अनन्य ममता होगी संसार भूल जाएगा, तब अनन्य ममता होने पर यही प्रेम कहलाता है। भीष्म उद्धव नारद महात्मा ने कहा है, और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, ये तो हमको मना कर रहे हैं कृपा करके। इसलिए रूप गोस्वामी की महिमा का था पाना, समुद्र की पानी के कणों को गिन लेना आकाश में तारों को गिन लेने के समान है। इसके संबंध में हम लोग मठ में जो सभा होगी उसमें हम उसका विस्तृत रूप में वर्णन करेंगे, आप लोग सभा में सभी योगदान करेंगे। अंग्रेजी में बोलना होगा, क्या बोलते हैं, ओम ज्ञान तिमिरंतस्य ज्ञानार्थं। चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। So Srila Gurudev is speaking about the glories of Sri Rupa Goswami. Today is the disappearance day of Sri Rupa Goswami. His contribution to the world is unparalleled. In his pastimes in Krishna Leela, he is Rup Manjari. Sri Rupa Goswami ke liye pranami, aap log thoda bahut kuch zarur denge. Everyone should give some pranami for Rupa Goswami. So, being a maid servant of Srimati Radhika, as Rup Manjari, he performed services to Yugal Kishore, and among all the maid servants, he is the supreme. He is praying that Sri Rupa Manjari is, he's praying again and again. He composed a prayer to Sri Rupa Manjari and praying continuously at her lotus feet, that in those past times and places where even Lalita and Vishakha can enter without any obstruction, Sri Rupa Manjari can go and enter in all those places of Radha Krishna Leela. So she is the supreme most. And then when he appeared as the Parikar, as an associate of Mahaprabhu, he told how to attain the mood of Rupa Manjari. As Rupa Manjari, she did not tell how to attain her mood, but as Rupa Goswami, he explained how to attain the mood of Rupa Manjari. He prayed Analitam Charim Chirat, that the same Krishna has appeared in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, taking the mood and the hue, the bodily hue of Sri Mati Radhika, and has come to spread Unnat Ujjwal Ras, the Bharatiya Bhav. He composed many literatures like Ujjwal Neelmani, Bhakti Rasamrita, Santu Vidant Madhav, and in all these literature, he glorified the Upadi Bhav, the mood of
Shri Radhika. This is the contribution of Rupa Goswami. He only explained this. And for this, the entire world would be eternally indebted to Rupa Goswami. And especially those who are in this parampara can never repay the debt of Sri Rupa Goswami. Krishna, Chaitanya Mahaprabhu appeared to Sankha Bhattacharya in his Shatbhuj, six-handed form, and to Raya Ramana as Radha Krishna combined, and to Tapan Mishra Sam Brahman in the form of Krishna. But he told all of them not to tell anyone about this, that he is Krishna himself. So no one said about who is Chaitanya Mahaprabhu, but Rupa Goswami, he is the one who explained Analpitam Charim Tira, that he is the one, he is Krishna himself, who is coming in the form of Chaitanya Mahaprabhu, taking the mood and the bodily hue of Srimati Radhika, and to spread this mood of Apapatya Bhava. When Chaitanya Mahaprabhu heard this shloka, Analpitam Charim Tira, he said that this is very nice, he said it's a pot of sweet milk, but just like in that, if you put one drop of sura, wine, then the whole thing is destroyed. But when Raya Ramana heard this, he said this is like condensed sweet milk in which one drop of camphor has been put. So actually this verse has further enhanced the beauty of this scripture. Similarly, in Lalit Madhav also, he composed this verse. So when Mahaprabhu heard this, he said that you have glorified too much. When the other Vaishnavas heard Lalit Madhava and the glorification that Mahaprabhu is Krishna himself, then they were very, very pleased. So if Chaitanya Mahaprabhu would not have, Rupa Goswami would not have had come, then no one would have explained the internal mood of Chaitanya Mahaprabhu. Therefore it is said, Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yen Bhutale. He is the one who established the Manobhisht of Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu came to give Radha Pranay Bhav, Sri Radha Pranay Mahima, these three things, that what is the importance to take to Sri Radha Pranay Bhav Mahima. So Chaitanya Mahaprabhu came to taste this and to make the world understand what is the glory of Radha Pranay. And Chaitanya, Sri Rupa Goswami explained this in great detail. In all the other Vaishnava sampradayas, this mood is not available. And actually this is, even by great jnanis in those sampradayas, this is considered to be something very, very abominable. But Sri Rupa Goswami, on the basis of different scriptures, established that this Upapati Bhava, or the mood of paramour, is actually very, very high. When we consider in this material world, then this is certainly abominable. But in the case of Parabrahma, Krishna, where these gopis are none other than Nidhulup Taya Kalapi, these are none other than the expansion of his own Kala, Nidhulup Kala. So these gopis are none other than the expansions of Srimati Radhika, who is his own energy. So there is no possibility of any kama bhav like in this material world. If there was any kama bhav, then how would Shukadev Goswami, who is the next brahmachari, who would have explained all of these things in Srimad Bhagavatam? Like in Srimad Bhagavatam, it is explained that how the gopis left everything and came to Krishna at the time of Maharas. Even Krishna told them to go back, and he told them that those, even the husband, if he is disabled and he has some problems, a good wife should never leave Aryabhat, should never leave her husband. But still they did not go back. They left Lok Lajja, they did not care about the society, about the elderly and the husbands, and came to Krishna. And Krishna said that therefore I can never repay your debt. So all of these things are explained in Srimad Bhagavatam. If there was anything abominable in here, then these things would have never been explained by Sri Rupa Goswami. So by giving so many different arguments, Rupa Goswami established with that what has been explained by Chaitanya Mahaprabhu, this is the highest mood. He also gave the definitions of bhakti, shraddha, rati, prem, anurag, mahabhav, madana,
So therefore, we can never, we are eternally indebted to Sri Rupa Goswami. Sri Rupa Goswami Prabhupada ki jai. Krishnadas Prabhu. Krishnadas Prabhu. Tamal Prabhu. हमारे मठ की
पूछे ही नहीं था, अच्छे कपड़े भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर मैं अपनी चादर बिठा देता, उस पर हम दोनों बैठते और भगवान की कथाएं को, और फिर दोनों आदमी इस घर में आते और रोज बनाते, वो रोटी करते और मैं सेवता, फिर वो घी लगा करके ठाकुर जी का भोग लगा करके, फिर दोनों आदमी हम लोग यही घर में बैठ करके हरी कथा सुनते और यही पर अपना निमग्न होकर के हरी कथा लिखते। और इन्हीं की श्री राधा दामोदर जी की कृपा से, अपने गुरु जी की कृपा से, आदेश से और हमारे गुरु जी की कृपा से, वो विष्णु ब्रह्मांड से में गए चारों तरफ में विश्व भर में, और सब जगह पहाड़ पर नदियों के बीच समुद्र के बीच में भी जंगल पर्वतों के शिखरों पर भी उन्होंने प्रचार का केंद्र स्थापन किया और वहीं से विग्रह की प्रतिष्ठा की। और थोड़े दिनों में कपल ऑफ ईयर्स उन्होंने सारे विश्व में महाप्रभु जी का की वाणी, राधा कृष्ण का ये हरे कृष्ण कृष्ण राम, ये सब किया, कार्य किया। आज हम लोग वहाँ प्राप्त करके उनकी स्मृति हम सब लोगों को आ रही है, और वो हम लोगों को कृपा करें कि हम लोग भी उनकी शुद्ध वाणी का